हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर मीन्स की माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए देखने के लिए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमको पहुँचने में अभी 2 घंटे का सफ़र तय करना है। 2 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बने रहिए आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन मौसम। फ्रेंड, हम लोग काफ़ी देर से खड़े हैं, हमारा ट्रेन नहीं आ रहा है, बाकी सब ट्रेन आ रहा है और पता नहीं कब आएगा, तो बने रहिए आप लोग। फ्रेंड, पहले तो सॉरी, क्योंकि हम लोग जब ट्रेन में बैठे ना तो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और इतना ज़्यादा भीड़ था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई। अभी हम लोग स्टेशन पे ही हैं, देख सकते हैं आप लोग, और हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षिणेश्वरी कालीबाड़ी कोलकाता। और वहाँ पे आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, बंगला में भी लिखा हुआ है, बंगलादेश तो समझ में नहीं आता, तो नज़दीक से दिखाती हूँ, बने रहिए आप लोग, ठीक है। फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं हम लोग वहाँ से नीचे जाएंगे, और भी नीचे जाना है, नीचे नीचे का ही सीन है, तो बने रहिए आप लोग, मैं दिखाती हूँ। 3 घंटे लगे हैं हमारे घर से यहाँ तक पहुँचने में। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। वाओ, फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी को चढ़ाने के लिए सामान मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने फूल ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं माता जी को चढ़ाने, दर्शन करने, जिसके लिए हम लोग आए हैं, तो बने रहिए आप लोग। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप नीचे उतर जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग गेट के पास आ चुके हैं और हम लोग अब अंदर जा रहे हैं माता जी को दर्शन करने। फ्रेंड्स, यहाँ पे अमेरिका, अफ्रीका, पता नहीं लंदन वंडन सब जगह से लोग आते हैं दक्षिणेश्वरी माँ का दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हम लोगों को आने में 3 घंटे लग गए, सोच सकते हैं, जबकि हम लोग नज़दीक में ही रहते हैं। 3 ट्रेन बदल के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं नहाने गंगा जी के अंदर, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, मन्नतें मांगेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। फ्रेंड्स, जल्दी चाहिए।
फ्रेंड्स मैं नहा के निकल गई, जान है तो जहान है। प्रणाम गंगा मैया, गलती सही माफ कीजिएगा, भूल चूक माफ कीजिएगा। ऐसा लगा जैसे कि अब मैं, फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को दिखाया था ना हबरा ब्रिज जब मैं आ रही थी तब, तो देखिए वो रहा हबरा ब्रिज और ये गंगा मैया हैं। मेरी दीदी भी नहा के आ गई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरी दीदी का कहना है कि बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग, गंगा जी में नहाए हमारा पाप धुल गया, पुण्य कमा लिए। फ्रेंड्स बहुत बारिश हो रही है, हम लोग जा रहे हैं पूजा देने के लिए, बहुत बड़ी लाइन है। फ्रेंड्स हम लोग भीख के एकदम लोप हो चुके हैं और सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, वो लोग मना कर देते हैं मोबाइल लेके नहीं जाना है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। बाकी भीड़ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि 10,000 पब्लिक भी कम पड़ेगी, इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शाखा पोला मिल रहा है जो कोलकाता में औरत लोग पहनती हैं, और यहाँ पे भगवान जी का मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी जैसा लगता है यहाँ पे। फ्रेंड्स मेरी मम्मी और भैया लोग, भाभी लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ना इस तरफ है और ना ही इस तरफ है। फ्रेंड्स सॉरी मैंने रास्ते में कुछ दिखाया नहीं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह 4 बजे के गए और अभी शाम को हम लोग पहुँचे हैं 6 बजे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं सब और पैर में इतना दर्द हो रहा है ना मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और घर पे आ चुकी हूँ, देख रहे हैं आप लोग, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। फ्रेंड आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा मेरा, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है। और माता रानी का जो मंदिर था बाहर से मैंने लिया है, अंदर से नहीं दिखाया है क्योंकि वो लोग चेकिंग करते हैं, मोबाइल पकड़ा जाता है और मोबाइल रख लेते हैं, वो लोग जाने ही नहीं देते, किसी भी हाल में नहीं जाने देते वो लोग, तो अंदर का नहीं दिखा सकती। लेकिन जो भी ब्लॉग मैंने बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है, आप लोग जाके देखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत करती हूँ और चलिए फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बहुत थक गई हूँ।